हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एक रिव्यू को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ अलग यहाँ पर सोचा है नया। आप क्या करते हैं, आपको कोई नई चीज़ लेनी है, कोई हेडफोन लेना है, वो रोज़ रोज़ तो लॉन्च होते नहीं हैं, रिसेंटली लॉन्च हुए रखे हैं, उनको आप देखेंगे, सबसे बेस्ट चूज़ करेंगे और उसकी कुछ वीडियो देखेंगे अनबॉक्सिंग रिव्यू की, और आपको पसंद आ जाएगा, आप खरीद लेंगे। लेकिन आप क्या इस बारे में नहीं जानना चाहते कि एक साल बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, डिक्रीज़ हुई है, बढ़ी है, सेम चली है, बैटरी लाइफ कैसी रही एक साल बाद, या फिर एक साल में कितनी बार उसको वारंटी के लिए भेजना पड़ा आपके सर्विस सेंटर, इस बारे में ज़रूर से आप जानना चाहेंगे लेने से पहले। तो यहाँ हमने सोचा है काफ़ी, और इसके बाद सोचने के बाद हमने सोचा कि आपको अब ऐसे गैजेट्स के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में एक साल यूज़ करने के बाद, दो साल यूज़ करने के बाद, उनके बारे में आपको बताया करेंगे कि कैसा उसका एक साल का सफ़र रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और वीडियो आपको पसंद आई, उसी हिसाब से हम आगे आपके लिए वीडियो लाएंगे। अब बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो अब से पहले मैंने लगभग अक्टूबर नवंबर में 2018 में एक हेडफोन ख़रीदा था, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मुझे 4-5 महीने बाद वो सर्विस सेंटर भेजना पड़ा, गलती मेरी थी एक्चुअली, वो पानी में भीग गया था, मेरी गलती के से। उसके बाद से मेरा जो हेडफोन आया एकदम रिफ्रेश, नया जो हेडफोन मुझे मिला, तब से अब तक उसको एक साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसकी एक साल की जर्नी कैसी रही, बैटरी बैकअप कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसी रही। कुछ मैंने इससे पहले सुना था कि एक साल बाद या धीरे धीरे आपके जो हेडफोन होते हैं उनकी साउंड डिक्रीज होने लगती है, धीमी होने लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, और मैं चाहता हूँ यार चैनल पर नए तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, और साथ में लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं क्या कुछ रहता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये हेडफोन जो कि मैंने अपने लिए मंगाया था, और इसको एक साल जैसा मैंने आपको बताया हो चुका है। तो मैंने अभी तक बक्से बक्से बड़े सुंदर थे संभाल के रखे हुए हैं, इसमें बाकी की चीज़ें भी हैं। तो यहाँ आप बॉक्स देख सकते हैं, ये आपका हेडफोन 550 एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर है, और इसका जो पीछे आप देख सकते हैं वो जो क्लेम था म्यूजिक प्लेबैक टाइम वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो खैर, ये तो चीज़ थी उस टाइम की जब ये एकदम फ्रेश था, लेकिन अब एक साल हो चुके हैं, तो अब एक साल बाद क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या कुछ रहा है, वो हेडफोन में देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हेडफोन है यहाँ पर, और इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा, और एक साल की जर्नी जो रही, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इससे। एक साल में मुझे अभी तक कोई भी यहाँ पर इशू नहीं मिला है। इससे पहले जो गलती हुई थी वो भी मेरी थी। एक साल में काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, थोड़े से चेंज हुए हैं। सबसे पहले बात करें बैटरी के बारे में, तो हम सबसे पहले बैटरी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बैटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्लूटूथ डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और चलता है। तो यहाँ पर जो बैटरी थी उस टाइम और अब के टाइम में ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं आया है। जैसा मैं पहले करता था, आपको बताया, चार्ज करके भूल जाता था लास्ट टाइम कब चार्ज करा, और मेरा कंटिन्यू रेगुलर चलता रहता था। लेकिन अभी भी मैं बताऊं, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब चार्ज करा। बैटरी बैकअप अभी भी यार लगभग वैसा ही है, कोई यहाँ पर कमी मुझे नहीं मिली है। एक साल हो गया है कंप्लीट तब भी। तो बात करें दूसरे चीज़ों के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं यार साउंड क्वालिटी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, ऐसा मैंने भी सुना था कि समय के साथ हेडफोन्स की जो साउंड है वो यहाँ पर धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर समय के साथ मैं बताऊँ, एक साल बाद भी मुझे यहाँ पर साउंड का 0.1 वॉल्यूम भी यहाँ पर कम महसूस नहीं हुआ है खुद से। मैं रेगुलरली सुनता हूँ, अगर कम होगा तो मुझे खुद से पता चल जाएगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर साउंड कम नहीं है, सेम परफॉर्मेंस है आपकी, बेस ट्रूबल्स वॉल्यूम सब सेम है, और मुझे अभी भी मज़ा एकदम आ रहा है, एकदम सेम एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, तो आप जैसा कि देख सकते हैं हेडफोन मेरे सर पर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंफर्टेबिलिटी। और ये पहले जब आया था वहाँ, उस टाइम काफ़ी टाइट मेरे कानों पर फिट होता था, लेकिन अब के मुकाबले पहले काफ़ी टाइट था, अब थोड़ा यहाँ पर लूज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लूज़ हुआ है यहाँ पर। थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक बॉडी में, आपका ये ऊपर वाला जो हेड है प्लास्टिक बॉडी में लेते हैं, तो आपको इसका नुकसान आगे देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका ये मेटल बॉडी में होता तो शायद से ये लूज़ यहाँ पर नहीं होता। और बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्या कुछ इसमें चेंज हुए हैं एक साल में उसके बारे में, तो देखिए पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ये यहाँ पर लूज़ हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर लूज़ मुझे देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर जो आप साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपके स्क्रू, ये मुझे टाइट करने पड़े थे एक बार, क्योंकि काफ़ी लूज़ हो चुके थे। बाकी यहाँ पर जो चेंजेस की बात करें, आपके कुशंस वगैरह वो सेम है यहाँ पर जैसे आए थे, इन्हें ना कोई हार्ड हुए हैं ना कोई सॉफ्ट हुए हैं, सेम वैसे ही मिल रहे हैं। साइड से मैंने आपको कहा था यहाँ से जो आपके कुशंस होते हैं वो फट जाते हैं समय के साथ, लेकिन अभी तक यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो हेडफोन दोनों साइड से, और लुक देख सकते हैं बिल्कुल शाइनिंग कर रहा है, एकदम चमक रहा है अभी तक भी। और यहाँ पर कोई कुशंस में फटने जैसा मुझे कुछ देखने के नहीं मिला है। और बात करें बटन्स की, तो बटन्स भी सेम हैं,
यहाँ पर पहले टाइट थे थोड़े एक्चुअली मैं बताऊं, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी आसानी से प्रेस हो जाते हैं और काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि कहा हेड से प्लास्टिक बॉडी में है, यहाँ पर अगर इस पर कोई बैठ जाता है या कहीं मैंने काफ़ी संभाल के रखा है कहीं से गिर जाता है तो टूटने के चांस काफ़ी होते। लेकिन मैं अगर इन फ्यूचर अब लेना चाहूँगा, जो हेडफोन लेना चाहूँगा, वहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऊपर का जो पोर्शन है मुझे मेटल में मिले। यहाँ से मैं थोड़ा सा इससे डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ टाइम के साथ और इसको हैंडल करने के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है टूटने को लेकर से लेकर इसके थोड़ा सा लूज़ होने के कारण तक। तो दोस्तों बस यही था, एक साल बाद कैसी परफॉर्मेंस रही है, एक साल का क्या सफ़र रहा है, क्या कुछ चेंज हुआ है और मुझे कैसा महसूस हुआ है कि आगे मैं इसी चीज़ को लेना चाहूँगा या फिर इससे रिलेटेड चीज़ लेना चाहूँगा या इससे अलग हट के अब लेना चाहता हूँ, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब देखिए मैं बता दूं आपको, हमने विकास और मैंने सोचा इस बारे में, और यहाँ पर अगर आप कमेंट करेंगे हमें और थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो आगे आपको मोबाइल हुआ जैसे कि कोई आपका मेरा रियलमी एक्स है, मैं चाहता हूँ कि एक साल बाद मैं उसके बारे में आपको बताऊँ कि क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि समय के साथ फ़ोन स्लो हो जाते हैं ऐसा भी हमने सुना है, और काफ़ी सारे गैजेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम आपको रेगुलरली तो नहीं, लेकिन जब भी होगा कोई चीज़ें यहाँ पर नई वीडियो लेकर आएंगे, एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद चीज़ों की परफॉर्मेंस कैसी होती जा रही है और कैसा इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पर इसके बारे में। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो में, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी नया कॉन्सेप्ट हमारी साइड से आपको बताने की कोशिश की, एक साल बाद ही भी चीज़ें कितनी चेंज हो सकते हैं, क्या कुछ चेंज हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी भी कोई सवाल या सुझाव है वीडियो को लेकर, या फिर आप चाहते हैं कुछ और चीज़ें पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कमेंट में मिल जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता रहेगा।